के साथ कर देंगे, आप ध्यान दीजिए। उसमें जो काला मंदिर के अंदर एक स्तंभ है, जो गोल काला है और ऊपर तक उसका सिरा जो है छू रहा है, और चारों तरफ से जो है एक गोलाकार नीचे पट्टी नुमा है काला। आप देखिएगा उसमें थोड़ा थोड़ा गड्ढापन है, नीचे का पट्टी जो लोग पकड़ करके उसको पवित्र मानकर घुमाते हैं, दो चार पांच मिलकर उसको जब घुमाते हैं तो देखिएगा वहाँ जरा गड्ढापन लिए हुए रहता है, और उसका नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी गोलाकार काला सिरा है। मैं पूछूं कि वो क्या है, आप देखने गए तो उसका क्या आपने अर्थ समझा, पूछा किसी से? तो नहीं, एक धार्मिक भाव से गए कि उसको घुमाएंगे चक्रायण करेंगे तो जो भी देव हो प्रसन्न होंगे या शुद्ध आत्मा मेरा होगा, इसी भाव से। देखिए वो है शिवलिंग, तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसका वास्तविक जो स्वरूप है वो वास्तविक ही रहेगा, जरा सा स्वरूप को बदल दिया जाएगा तो उसको हम दूसरी भाव में ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उस भाव के मूल तत्व जो है उसी सत्य पर आधारित है जो आपके शिवलिंग में दिखाया गया। जब आप घुमाते हैं उस बड़े वाले शिला को तो देखिएगा गेट के बगल में तीन ठो ऐसे ही शिला है, एक को घुमाइएगा तो तीन घूम जाते हैं, और फिर इधर पांच ठो बनाया गया है ठीक वैसे एक लाइन से पांच। तो आपसे पूछे कि ये क्या है, सृष्टि की सारी रचना का रहस्य इस प्रतीक में है। ये है पांच तत्व, जो पांच है ये पांच तत्व है, ये है तीन गुण अष्टधात्मिक, ये तीनों पांच तीन आठ अष्टधात्मिक ज्ञान का किसने बोध कराया, वो भीतर वाला एक शब्द ने। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ईश्वर है तो नाम भी एक है। वो जब नाम को हमने गुरु से मंत्र लिया और घुमाया चक्रायण किया, गुरु माला फेरने को देता है यानी मंत्र देता है तो उसको माला स्वरूप निरंतर अंतर न पड़े, तो वो क्या है जो घुमा रहे थे, वो नाम था। एक ही नाम है लेकिन पकड़ कर जब घुमाने लगे तो देखिए उसमें जागरण होने के साथ साथ तीन गुणों में चमकार हो गया, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, आपके यही तीनों चीज वहां दिखाया गया। आप गुरु जो मंत्र देते हैं आप उसका जो मन के द्वारा भजन करते हैं तो तीनों गुणों में चमकार होता है, तो ये घूमना शुरू होता है, तो ये पांचों तत्वों में संचार चेतना का होता है। चेतना चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन है अमल, मल रहित है, विकार रहित है, दोष रहित है। असकल जीव जग दीन दुखाई, इस चेतन को न जान करके दीन और दुखी सारे संसार का प्रवचन करके संत महात्मा क्या करेंगे, अमल ही नहीं करिएगा। चाहे हमारे देश में भगवान बुद्ध आ जाए, गांधी जी जैसे संत महात्मा आ जाए, दोनों लोग सुधारने के लिए शुद्धता लाने के लिए चाहे राजनीति में कोई महात्मा जाए, चाहे अर्थशास्त्री बने, चाहे शुद्ध अध्यात्मवादी संत महात्मा के निवास में हो, संत बनेंगे तो शुद्ध आध्यात्मिक चर्चा करेंगे, वो आपको बल भरेंगे, ज्ञान भरेंगे, प्रेम और श्रद्धा भरेंगे।
लेकिन आप भी अपना दरवाजा खोल कर रखिए, सूर्य की रोशनी आती और दरवाजे बंद रखिएगा तो रोशनी तो बाहर ही रह जाएगी। अपनी तो खिड़की और दरवाजा खोल कर रखिए, हृदय रूपी खिड़की और दरवाजे को आप आने दीजिए प्रकाश, यानी चेतना का अनंत स्रोत इसमें आने दीजिए। सहज प्रकाश रूप भगवान, जब वो आने लगेंगे तो घर के अंधेरा दूर हो जाएगा। जो हृदय में जो आपका अंधकार घेर करके बैठा है, अज्ञान रूपी संसार उसको जकड़ करके है, इससे आप मुक्त होने के लिए प्रयत्न करिए, स्वयं प्रयत्न करिए। साधना सुमिरन भजन, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे। आजकल भक्तों की शिकायत है कि आजकल दर्शन नहीं होता है, ध्यान तो बैठते हैं। आज से 41 वर्ष पहले गुरुदेव कहा करते थे, सुमिरन करो सुमिरन, सुमिरन मूल ठिकाना, मूल तो सार तो वही है, सुमिरन करो, उसी में रूप है। जब वो जग जाएगा तो जे ही जागे जग जाही हेराही, जग जग के प्रति जो आसक्ति था वो था, वो जो है नष्ट हो जाएगा। चेतना के जग जाने से अचेत जो आप बने थे अब होश में आ जाइएगा। जब से आपने जाना, जब से आपने जाना, जे ही जाने जोई जाने सोई दे जनाई। अगर भीतर में हमको बताया जा रहा है कि आपका हीरा का खदान है और वो हीरा जो है दमकता है, प्रकाशित हो रहा है, चेतना से लबालब भरा है, लेकिन वहां ताला लगा है, तो गुरु तो चाबी देता है। नाम जो देता है गुरु वो क्या है, चाबी है। आप प्रयत्न करिए प्रेम पूर्वक, उसमें जो है प्रयत्न करिए। थोड़ा कठिनाई हो रहा है शुरू शुरू में, साधना भजन करने में कठिनाई होता है शुरू शुरू में, ये अनुभव है। लेकिन हम गुरुदेव से ज्ञान मांगे नहीं, क्योंकि गीता में भगवान कहे हैं कि हे अर्जुन, तुम किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाना। देखिए हम एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर जाते हैं, सार सार बातें जोड़ करके आपको, जैसे सोना चांदी का गहना का कला निकाला जाता है, वैसे ही उधर से थोड़ा कला लेकर के और इधर से थोड़ा कला लेकर के दोनों को प्रमाणित हम करते हुए चलते हैं। आज के युग में उसकी आवश्यकता क्या है, जैसे रहमानी साहब के विषय में सेमिनार इन्होंने दिया कुछ जानने के लिए, आपका विचार क्या है। लेकिन हम तो आपसे सेमिनार ये ले रहे हैं कि गीता का आज के युग में कितना महत्व है। हर महापुरुष का महत्व हर काल में उतने ही रहता है जितना आज की जरूरत है सबको। ज्यादा आसान यूरोप के लोग होते हैं तो भारत में आ रहे हैं, योगाभ्यास शिविर में बैठ रहे हैं। यूरोप में धन की कमी नहीं है, लेकिन भारत के लोग धन पाने के लिए यूरोप भागे चले जा रहे हैं। तो इनका अब मृत्यु होगा तो यूरोप में अगला बार जन्म होगा, और यूरोप वाले जो शांति की खोज में भारत आना चाहते हैं कि ये देवभूमि है, यहाँ शांति का साम्राज्य है, संतों का यहाँ खेती होता है, मतलब प्रचुर मात्रा में संत महात्मा होते हैं, तो यूरोप वाले जो है आपके भारत के तमाम आश्रमों में योगाभ्यास शिविर में बैठे हुए दिखाया जाता है। आज टीवी में भी दिखाया जाता है कितने अंग्रेज हमारे बैठे हैं साथ। देखिए पराया वस्तु दूर से अच्छा लगता है, जब नजदीक जाइएगा ना, उसके भीतर जाइएगा तो उसकी बुराइयों का और दुख का अंबार ही पहाड़ रहेगा, समझे। आपकी ही वस्तु इतनी सुंदर है, भारत में है। तुलसीदास जी ने कहा, आवाज नहीं देंगे किसी को बैठाने के लिए, आपको उतनी आवाज नहीं देना है, अगल बगल की महिलाएं बच्चों को शांत करें, एक बार कहता हूँ, नहीं तो कथा विसर्जन होता है शुरू हो जाएगा।
आप लोग भोजन करने अगर आए होंगे तो भोजन इधर तैयार होगा। अरे जिस भूख को आप मिटाने आए हैं वो तो खाकर तनु आदमी खाकर पचा दिया है, फिर भी इच्छा जो है ना भूख लगी ही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सत्संग सभा में शांत चित्त की चंचलता स्थिरता कैसे होगी ये होनी चाहिए। हमारे चित्त में अशांति है, वो कीड़ा हमको जहां भी जाते हैं पीछा करते रहता है और हमारी चंचल चित्त वृत्तियां चारों तरफ जो है ना हर संसार की देखने की आदि बन गई है। गुरु ने ज्ञान दिया तो बोला अंदर देखो, कपाट बंद करो, लेकिन धीरे धीरे बंद करो। साधना पर लोग घर में बैठने जाते हैं तो तुरंत साधना को बैठ पड़ते हैं, तुरंत आंख बंद कर देते हैं। नहीं, तुरंत नहीं बंद करना चाहिए। जब तुम किसी तत्वदर्शी महापुरुष यानी संत महात्मा उस सत्य की पथ को प्रकाशित कर रहे हैं अपने वाणी से, तो उनको जानने के लिए पहले श्रोता बन। श्रोता बनिएगा उतनी ही आपका ग्रहण करने का शुद्ध शुद्ध विचार जो है इसमें उत्पन्न होगा। तुम किसी तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में जाना, दंडवत प्रणाम करना और दंडवत प्रणाम करके ध्यान पूर्वक वो जो मुखार बिंदु से तुम्हें उपदेश दे उसे श्रवण कर। जब वो प्रसन्न होंगे तो तुम्हें आत्मा का ज्ञान। देखिए जब वो प्रसन्न होंगे, अभी जो भक्त लोग आते हैं तो कहते हैं महाराज हमको कब ज्ञान मिले, अभी गुरुदेव प्रसन्न हुए नहीं, यानी आपके क्या चीज लेने आए हैं, अभी प्रसन्नता गुरुदेव के अंदर अभी आप ही को खोज रहे हैं कि आप क्या कामना लेकर आए हैं। संसार की कामना लेकर आया है, है? संसार में अभाव जो आपके पास था उसकी कामना लेकर आए हैं कि महाराज के पास जाएंगे तो मेरा दिन दशा सुधर जाएगा, तो खैर को भी मिलेगा जो इच्छा धरो हो मन माई, जो कहा गया है शास्त्र में तो वो भी मिलेगा, लेकिन नश्वर चीज किस लिए मांगते हैं, फिर तो एक दिन दुख का कारण बनेगा। ऐसा चीज मांगिए जो स्वरूप बस शिव मन माई, जो स्वरूप बस शिव मन माई, जहि लग मुनि जन जतन कराही। अरे वो प्रभु संत महात्मा के पास वो चीज मांगो जो भगवान शंकर के मन में निवास करता और उसी स्वरूप के लिए ऋषि मुनि जल जपन से जपन साधना करते। हम लोग संसार की ही हर वस्तु की मांग करने आते हैं, है कि नहीं? आप लोग अपने दिल पर स्थान रख करके सोचें। अच्छा ये बताइए भगवान का नहीं भी भजन करिएगा तो तीन चीज आपको मिलेगा कि नहीं? सुत धारा और लक्ष्मी। थोड़ा हम गहराई लेंगे, संगीत मैं लेकर के चलूंगा तो बहुत समय खींच जाएगा। सुत धारा और लक्ष्मी पापियों के घर आप भजन करिए चाहे मत करिए, दुष्ट दुराचारी भी सुत उसके घर है, पुत्र है, दारा स्त्री है, जब स्त्री है तो संतान होगा और जब संतान और स्त्री पुरुष है तो उनका घर भी छोटा बड़ा होगा और बहुत भयानक दुराचारी होगा तो राजमहल में रहता होगा, वहीं से जो है संचार करता होगा अपराध का। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कड़ी में नीचे, संत समागम हरि कथा
संतों का पास मने आना यानी संगम यानी मिलन समागम हुआ। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। जब वो थे तुलसीदास जी तो लोग जीना हराम कर दिया था। आज उन्हीं की चिट्ठी को जो है ना रामायण को गले का हार बनाया गया। घर घर में रामायण और तुलसीदास जी अति प्रिय हो गए हैं कि अब कहने लगे। तो जीते जी भारतवासी अपने देश के संत महात्माओं के साथ जो करते हैं वो तो प्रत्यक्षता प्रमाण था। तो उस काल में भी वो सताए गए। जब जब हुई धर्म की हानि, क्या ये मैं पूछता हूं कि आज धर्म की हानि हो रहा है कि नहीं? हमारे चाल चलन चरित्र कितना दूषित हो गया है, हमारे खान पान कितनी जो है जो नहीं खाना चाहिए वो तक हम खा रहे हैं। तो हम अचानक अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगा और कौन जो है भोजन फायदेमंद। शुद्धाचार अल्पाहार कहेंगे तो कहेंगे कि ये तो बिना खाए मुंगा डालेंगे संत पास कर। हाँ जी बताइए, संयम से खाइएगा तो अपन दीजिएगा और एक साथ दोनों इसमें कितने टन खा गए तो लोगों के पास जो है ना अब डॉक्टर के पास दौड़ने से हमको मौका ऐसा नहीं मिल रहा है कि एक हम दवा लाते हैं तो दूसरी दवा हमारे कष्ट बढ़ता है तो डॉक्टर के पास पूछने जा रहे हैं। और सतगुरु वैद्य वचन विश्वास कहा गया है। सतगुरु के वचनों में कितना आप विश्वास करते हैं? सतगुरु किसे कहते हैं? सत्य तो ये कही है ना, जिसको आप भगवान कहिए अल्लाह कहिए गॉड कहिए ईश्वर कहिए परमात्मा कहिए सत्य वही में एक है। तो वो न गुरु होना चाहिए? गुरुदेव शरीर छोड़ने से पहले हम लोगों को 6 महीना पहले भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन हम लोग को उस समय समझ में नहीं आता था क्योंकि हम लोग अंतर्मुखी ध्यान में और प्रकाश के अनंत राज्य में निवास करते थे। तो पिता जब हमारे बीच रहता है तो बेटा जो है ना कोई लापरवाह है ना। आध्यात्मिक जगत में भी ये बात है, इसका प्रमाण हम दे देंगे, भगवान बुद्ध और आनंद के बीच के संवाद है। तो गुरुदेव उस समय जब हम इस भारी कर रहे थे तो ये समझ में नहीं आता। उनका कहने का भविष्य की बातें है कि वर्तमान की? अरे जब निरंतर यहाँ आनंद के झूले में हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, तो निज धर्म माने आत्मा के धर्म पर जब हम चल रहे हैं तो इसमें क्या आनंद है? क्या इसकी आनंद की मुख से व्याख्या तो है नहीं, गूंगे की तरह साधक हो जाता है। जैसे गूंगा तो बोलने की इच्छा नहीं होती है या जवान बंद है, तो गूंगा तो जवान न बंद है लेकिन साधक के अंदर जो रस टपक रहा है अमृत बरस रहा है उसको पान करे कि आपको जो है ना कौवे की तरह टर टर करे। बकरी से क्या फायदा? जब तक नहीं भूख लगी है भूख लगी है भूख लगी है, अरे भोजन भर पेट मिल गया तब क्या चिल्ला रहे हैं भूख लगी है? जब भगवान का दर्शन करने के लिए गुरु ज्ञान देते हैं कि मन मंदिर तन भेष कलंदर, मन मंदिर तन भेष कलंदर घट ही तीरथ नावा, घट हृदय को कहते हैं, घट को हृदय को ही कहा गया है। मन मंदिर यानी भगवान को अपने मन में निवास स्थान बनाओ मंदिर बनाओ। मन मंदिर तन भेष कलंदर यानी कवर है ना, ये तो कवर है। घट ही तीरथ नावा एक आ गया फिर आ गया वही मोर, एक शब्द मेरे प्राण बसते हैं, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति,
द्वैत के मिट जाने से अद्वैत में स्थित होने की साधना है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, द्वैत तो नश्वान अवस्था तक हम साधना करते करते जब तक द्वैत का नाश नहीं होगा तब तक अद्वैत में स्थित नहीं होंगे, यानी प्रज्ञा के ऊपर या मोक्ष पद पर पहुंच नहीं पाए। चलना तो आपका काम है, गुरु का काम तो नहीं है। गुरु ने तो मंत्र दिया चलने के लिए, ध्यान यानी अंतर्मुखी चलो। गुरु ने अंदर में चलने को कहा और आप समझते हैं कि बाहर चलने को कहा। बाहर तो आपके अनेक गुरु चलना सिखा दिए हैं। बचपन में जब जन्म लिए तो माँ से शुरू हुआ, पड़ोसी से शुरू हुआ, पिता से शुरू हुआ, भ्राता से शुरू हुआ। जब जब सियान गए गुरु तो हमको चलना बोलना पढ़ना सब सिखा दिया। ये गुरु सतगुरु जिसे कहते हैं वो अंदर में चलना सिखाता है, तो अंदर में डर लगता है, डूब जाएंगे, अंधकार है, प्रकाश नहीं दिखाई देता है। अच्छा, अंधकार है, निराकार है, कुछ नहीं दिखाई देता है, इसका मतलब अंधकार निराकार। अच्छा, अंधकार में दीप नहीं जला सकते हैं। सोन महल में आसन से मत दो। साधना की संकल्प के सिरा पर बैठे हैं, आसन से मत डोलिए। अंधकार में शून्य महल में दिया बारो आसन से मत डोलिए, तो एक सिया मिलेंगे। भक्त लोग प्रभु को अपने को और प्रभु के बीच ऐसे अलंकारिक भाषा का प्रयोग किए हैं कि जिज्ञासु को जीव में जिज्ञासा हमेशा बना रहेगा। बाहर के पट दे के भीतर के पट बंद है, सात चक्र देह भेदन क्रिया इसमें करना है, सातों में ताला लगा है, लेकिन एक ही चाबी से खुलेगा सात। और गुरु जब आपको दिया है चाबी तो खोलना पहले सीखिए। खोल दीजिएगा तो भीतर प्रवेश, गुरु जी आपको प्रवेश करने के लिए कहे हैं ना, मैं ही मार्ग है ना, मैं ही। मौत तो आकार में है लेकिन वो कितना महीन तत्वदर्शी हैं महर्षि जी कि ऊपर में बिंद रूप में आज हो गए। शरीर छोटी है लेकिन आज बिंद रूप में है, शब्द में ही वो है लेकिन आप कितना प्रेम गुरुदेव से करते हैं। शब्द ही धरती शब्द यकाशु, शब्द की साधना करिएगा तो वो दशा आएगी कि जस भीतर तस बाहर देखा। आंख खोलेंगे तो भी वही देखेंगे, जस भीतर तस बाहर देखा, एक 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 अनेक कर देखा। अब देखिए, विहीन मार्ग में जाने से भय होता है। गुरुदेव बोलते हैं कि हम शरीर इसलिए छोड़ते हैं कि तुम्हें व्यापक जितने हमारे शिष्य हैं, मैं एक से अनेक होकर सभी के हृदयों में शब्द रूप में सबको जगाता रहूं। हमें सोने के लिए किसी को ज्ञान नहीं दिया गया है कि आप आराम से सोइए, गुरु जी है ना, भजन आपका वो गुरु जी करेंगे, माने गुरुदेव आपका भजन करेंगे। आप मंत्र किस लिए दिए भाई, आप बोलिए। जिस रोग के निदान के लिए आपने दवा लिया, दवा माने उनका एक ही, उनका तो भाई मंत्र जय थोड़ किया है, तय थो जो है काम करेगा, इससे ज्यादा वो दवा देंगे नहीं। और डॉक्टर तो एक के बाद एक बढ़ाते जा रहे हैं, भौतिकी डॉक्टर, लेकिन आध्यात्मिक डॉक्टर जो एक बार जो मंत्र उनकी टिकिया दिए है उसका सेवन करना पहले सीखिए। हाँ, वो पंथ भी बताते हैं, पंथ बताते हैं। एक प्रश्न उठा था यहीं पर इसी संस्था के कुछ कमेटी के अंदर, तो कहने का मतलब ये हुआ कि डॉक्टर क्यों दवाई नहीं देता है, संयम बरतने के लिए कहता है कि नहीं, पानी गर्म में पीना, ठंडा मत पीना, तरल और मसालेदार तरकारी मत खाना, सादा जो है हल्का, मसाला भी देना हो तो हल्का,
तेल भी झरा। यहाँ गुरुदेव भी कहते हैं कि अरे भाई काम क्रोध मोह लोभ अहंकार पांच ठो बड़ा 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 शत्रु इसमें है, जरा इनसे सावधान रहना। कैसे सावधान रहोगे? चक्र चलता रहे पाप कटता रहे, चक्र चलता रहे पाप कटता रहे, एक दिन दिल तेरा साथ हो जाएगा। यानी भजन करते 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 एक दिन दिल और मन के अंदर जो मैल काम क्रोध लोग बैठे हैं, एक दिन ये साफ हो जाएगा। तब भगवान कहते हैं कि जब तेरा हृदय और मन साफ हो जाएगा तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि निर्मल जब मन हो जाएगा, छल विहीन हो जाओगे, कामना विहीन हो जाओगे, तो मेरा उसमें तुम दर्शन करोगे, पावा मने मुझे ही प्राप्त करोगे। पाने के बाद आप तो एकदम उसमें दीवाने होकर ना आनंद में विहार करेंगे, जैसे भगवान बुद्ध देव विचरण करते थे, विहार करते थे। तो हमारे यही कहने का मतलब है, राम यतर्क बोधि मन बानी, तर्क से नहीं है, तर्क अंदर में है, है तर्क होता है लेकिन अंदर है, अंदर में ही तर्क किया जाता है, अंदर में ही उसका समाधान निकाला जाता है। अगर बाहर से तर्क से समाधान होता तो पार्वती को भगवान तर्क द्वारा ही पूर्ण रूप से समझा देते, उनको भी ये विराम देना पड़ गया। यही पार्वती राम तर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे यस सुनहु सयानी। हमारा तो यही मत है। अब रह गया कि हम लोग ज्ञान लेते हैं, भजन करें तो दवा का सेवन करेंगे तो हमारा भी मन जो है निर्मल हो जाएगा। तो जब मन निर्मल होगा तो तन भी निर्मल हो जाएगा, इसमें रोग और व्याधि नहीं रहेगा। मानस रोग से ही शारीरिक रोग की वृद्धि होती है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पहले मन के ही निदान के लिए अनेक उपचार करते हैं, अनेक उसको तरह तरह के शॉट लगाते हैं, इलेक्ट्रिक शॉट, बैटरी शॉट, बहुत तरह की लगाते हैं और दवा भी देते हैं। लेकिन असली मन का निदान के लिए भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हे प्रभो हो जोगीराज, अगर जिस प्रकार पवन को पवन के वेग के गति को रोकने में हमें असमर्थता होती है, इससे भी कई गुना वेगवान मेरा मन किस प्रकार से जो है बस में हो सकता है, मुझे वो योग विद्या बताइए। तो भगवती दरबार के लोगों को मन के रोगों का निदान के लिए ही मानस भजन मिलता है। मन में भजन करने का कि पहले मन का रोग का निदान। हमारे तुलसीदास जी को जो सूझा तो प्रभु ने कृपा करके सातकांड रामायण की जो है रचना की प्रेरणा दी, आकाशवाणी भी हुई, तो उन्होंने हार करके दुनिया वालों के सामने की जगह लिखा उन्होंने, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी बिंद। देखिए कितना दिल करते हैं, घट में है यानी दवा के साथ वो कहते हैं कि घट में है यानी हृदय में है,
सूझपना ही मैंने दिखाई नहीं दे रहा है। अब किसको नहीं दिखाई दे रहा है? तुलसीदास को? तो लिखे क्यों नहीं? उनको दिखाई दे रहा है। वो अब लिखते हैं दुनिया वालों के लिए कि घट में है सूझत नाही, लानत माने धिकार है इस जिंदगी को, लानत ऐसी जिंद। अब देखिए बड़ा विराम दिए है, तुलसी या संसार को भयो मोतिया दिन। अब ये बताइए तुलसी को मोतिया बिंद हुआ है या संसार वालों, निर्णय कीजिए, है ना? तो उन्होंने तो देखा था, तो जो जाने सोई दे जनाई, जानत तुम ही होई जाई। मैं मिटा और तय तय की आवाज आने लगी, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। प्रार्थना करने में आनंद आता है ना, है? और वही तो मंत्र, तो वही नाम का याद करा रहा है, लेकिन तू ही नहीं सोचता है। ज्ञान लेने के बाद भी प्रयोग करिए, प्रयोग का मंत्र का प्रभाव देखिए कि ये मंत्र प्रभावशाली क्या है, इसके अंदर कितने कितने गुण भरे हैं, इसकी दैवी संपदा कितनी वैभव से भरा। जब तक यार श्रद्धा और विश्वास नहीं रखेंगे, मंत्र में रखिए छोटी सी, मान लीजिए रोग शोक दवा लेने के लिए आप जाते हैं तो छोटी ही न गोली रहता है, शरीर कितना बड़ा है, एक छोटी सी चीज इतना बड़ा रोग का निदान कर सकता है, तो गुरुदेव का छोटा मंत्र में कितना शक्ति भरा है। अगर निष्ठा और श्रद्धा से आप भजन घर में करते हैं अपने, आप अपने टाइम को बहाना मत बनाइए कि टाइम नहीं मिलता है, ये तो भूल है। 24 घंटे में इस नश्वर संसार के लिए आप जाल फैला दिए हैं, तो आपने फैलाए हैं तो आप ही नहीं इसका कारण हुए, क्या उस जाल को छोटा नहीं बना सकते हैं? नदी में जाल डालने के लिए महाजाल होता है, और समुद्र में डालने के लिए बड़े बड़े बोट जो है ना, उस पर जो है जाल मोटे मोटे और बड़ी मछलियां फंस जाए, कोई ठीक नहीं है कितने टन की फंस जाएगी। कलकत्ता में एक बार 27 मन की मछली फंस गई थी डायमंड हार्बर, 7 टुकड़े किए गए थे, उस समय 2 रुपया टिकट लगा था। महात्मा जी और मैं गया, उसके आरे के तरफ दांत देखा, 24 तो इधर से गिना दांत के, 24 इधर से, 7 टुकड़े किए हुए थे उसके माथे जो है, इतने बड़े चक्का है, और ये आदमी को कैसे नहीं पूरा निकल जाएगी, 2 रुपया टिकट लगा था। हम थोड़ा संसार को जोड़ देते हैं, कुछ भाई जो है यहाँ का है कि राजनीति और आध्यात्मिक मंच पर तो नहीं होना चाहिए। अच्छा बोलिए, हम तो ले आकर के साथ देते हैं अध्यात्म पर। अध्यात्म क्या है? मकान का नेव है, जो नीचे नेव है ना, इसी अध्यात्म पर आपका मकान रूपी राजनीति चल रहा है। अगर मकान सच्चे तत्वों पर अगर निर्धारित है तो बहुत काल तक लंबा उम्र धक्का मकान होगा। अगर मसाले में और नेव में कोई कोताही होगी तो मकान का जो है ना अर्द्वाय खट जाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष चार को एक जीवन के अंदर चार पदार्थ हमको लेना है। ऋषियों ने पहले अर्थ का स्थान रखा था, कुछ तो परिवर्तन आज किया जा रहा है, कभी धर्म कह दिया जाता है, पहले अर्थ का स्थान है। अर्थ रहेगा, भोजन मिलेगा, तभी भगवान का भजन भी होगा। शरीर का पोषण तत्व है ये, ठीक रहेगा मंदिर, ये मंदिर ठीक रहेगा तो इस मंदिर में निवास करने वाले को और परिष्कार श्रद्धा और प्रेम से करेंगे,
अगर इसमें क्षुधा बड़ी है को करी करत भजन में भंग, अगर भंग करेगी तो आप भगवान का भजन कैसे करेंगे? नहीं ना कर पाएंगे। या को टुकड़ा देकर तब करिए भजन निशंग। अच्छा ऐसा करिए, दुख न मानिए, अगर कहीं लोगों को थोड़ा भीतर से असमंजस नहीं ना हो रहा है, लंबा समय खींच रहा है, तो दूसरे महात्मा जी को दिया जा सकता है। जी नहीं सर, आज आपके ही प्रवचन, उनका भी होगा लेकिन आज के ही प्रवचन पर लोगों का ध्यान केंद्रित था, आज के लिए उनका भी होगा, तो आओ समय आप ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, प्रवचन गुरुदेव की वाणी से जो मंत्र निकलता है उसे वचन कहा गया है। वो वचन को आप जो है अब स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलने का नाम है परागण। परलोक का नाम है परलोक तक ले जाएगा, आए उल्टा ले चलेगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, आप पढ़ते हैं ना बाल्मीक भय ब्रह्म समाना, तो आप अंतर्मुखी चलिएगा तो उल्टे ही ना होगा। गुरुदेव ध्यान अंदर देते हैं ध्यान करने के लिए यानी भजन करने को, तो उल्टे ना होगा। बाहर चलेंगे तब ना आपके हिसाब से सीधा कहा जाएगा। उल्टा नाम जपत जग जाना बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। अब बताइए, तो ये बताइए परलोक बाहर है कि अंदर है? हम परलोक जाना चाहेंगे तो परलोक अंदर यात्रा अंतर यात्रा होगा ना। अंतर दृष्टि जब हम कहते हैं तो अंदर की दृष्टि होगा ना। अब देखिए, जब भजन हम करते हैं तो ये रथ हो जाता है, इस रथ पर हम सवार हो जाते हैं। हमारा मन ही जो है ना चित और दसों इंद्रियां इस रथ पर बैठी। अब दसों इंद्रियों को संजीवित और सही दिशा पर ले चलने के लिए ही लगाम जो है कृष्ण के हाथ है। कृष्ण कौन है? तो आप में आकर्षण यानी जिसमें ज्योति है, मैग्नेट है, उसमें इतना आकर्षण है कि आप अनायास ही जो है ना सभी घोड़े जो है ना उसके इच्छा के मुताबिक चलते हैं। तो हमारी यात्रा पहले तो शुरू शुरू में भजन करने के टाइम में आपको तकलीफ होता होगा, कुछ दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन अपना अनुभव ये कहता है कि जब 3 महीने पर हमें ज्ञान हुआ था, गीता में जब कहा है भगवान कृष्ण ने कि तुम किसी तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में जाओ तो दंडवत प्रणाम करो, सेवा सुसैया करो। सेवा दो तरह की होती है, एक सेवा है जो उनका वचन निकलता है ध्यान पूर्वक पूर्ण करके मनन करना, यह सेवा ये बताइए। एक सेवा है शरीर की स्थूल नश्वर, तो हम नश्वर की सेवा पसंद नहीं करते। एक प्रणाम होता है जैसे भरी हुई यह पूरी सभा है और दूर से हमारा कोई परम भक्त आया, वहां खड़ा हुआ भरी हुई सभा में, तो उसको मंच के पास आकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। वहीं से मन ही मन गुरु किन्न प्रणामा, सच्चा प्रणाम उसका होगा। शुद्धता की आत्मा से वो प्रणाम किया है। तो जब तुम अर्जुन के लिए कहा जा रहा है, अर्जुन का मतलब होता है जो अर्जन करता हो, श्रोता बन करके सुनता हो यानी अर्जन करता हो, उसका नाम है अर्जुन। और जो वक्ता हो जिससे हम शिक्षा ले रहे हैं उसका नाम है गुरु। तो अर्जुन शिष्य था, कृष्ण उनके गुरु थे।
उनमें आकर्षण था, तेज था, बल था, विद्या था, बुद्धि था, वो कौन था? प्रकाश था। जय चंद्रा उगवे सूरज चढ़े हजार, सैकड़ों चंद्रमा एक साथ उदय हो जा। जब शुरू शुरू में साधना याद आ जाता है तो मैं अपना प्रमाण देता हूँ। जब शुरू शुरू में साधना के समय में जब सातों प्रकार की प्रकाश छटते गया, जब एक ठो प्रकाश रह गया, तो जब उस प्रकाश के राज्य में मैं देख रहा था ध्यान लगा करके, तो उसमें कितने प्रकार के दर्शन होते थे ये तो वाणी से कहा नहीं जा सकता। जो चीज देखा जा रहा है अंदर की चीज, अंदर में ही आप अपना देख सकते हैं। वाणी से व्याख्या करेंगे तो उसका अनादर होगा। ये गुप्त ज्ञान इसीलिए कहा गया है कि गुप्त भेद नहीं संत दुरावही। संत जो है गुप्त भेद को कभी छुपाते और पर्दा नहीं देता है। लेकिन यहाँ लगाया गया है आ रत अधिकारी यही पा वही। पहले अधिकारी तो बनिए, लेने के पात्रता अपने होनी चाहिए। बिना कुपात्र को आप धन दे सकते हैं। आपका लड़का भौतिक जगत के घर में आपका लड़का अगर कुपात्र हो तो आप मालिक बना दीजिएगा। तो ये बात लागू तो अध्यात्म जगत में भी है। अगर आप में सत्य पात्रता है तो आप ही को मालिक बनाया जाए। तो ये बात हम गीता के ये बराबर चिंतन करते थे कि गुरुदेव के पास सब कोई ज्ञान मांगता है। आज खुली हुई बात जो है ना, अंतिम दिन का प्रवचन है, तो मैं पूरे जो जमा किया था इतने जीवन के पूरे जीवन का, मैं आजकल कलयुग में खुल जा रहा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि उस टाइम में अपने गुरु भाई महात्माओं के बीच मैं कुछ नहीं कहता था, सब संग्रह करते थे, आज क्यों मुझसे नहीं रहा जाता है? हमारी अंदर से हम याद चाहते हैं कि ये बाहर मैं अपना सब कुछ अनुभव लोगों के बाद। तो ये दोनों बात मिलाते थे गीता की बात। और उसी संस्था में देखते हैं कि अभी एक हफ्ता से कोई आया है तो वही कहता है कि गुरुदेव मुझे कब ज्ञान होगा। पूछते हैं कि कितने दिन से आ रहे हो, तो वहाँ कहा जा रहा है कि एक हफ्ते से सत्संग सुन रहा। बोले और तीन हफ्ता, एक हफ्ता से सुन रहे हैं तो और दो हफ्ता निरंतर सत्संग सुनो। तो 21 दिन को उन लोग को 3 सप्ताह पर ज्ञान होता था। हम कहते थे कि हम वो सब बात नहीं मानेंगे। गीता में जो भगवान कहे हैं वो ही हम मानेंगे। आप जब प्रसन्न होइएगा तो हमको ज्ञान दीजिएगा। ये मैं आज तक नहीं भूलता। लेकिन ठीक 3 महीने बाद वर्षा ऋतु श्रावण के महीने, दो ठो उड़ीसा के रहने वाले उड़ियों को ज्ञान देने के लिए एक और लक्ष्मी जी, जैसे गया में लक्ष्मी जी है वैसे ही एक और लक्ष्मी जी वहाँ थे। उनका चाय पकौड़ी का दुकान उकान था, तो साहब जी वहीं बैठे थे। उन्होंने कहा कि अभी चलो आज गुरु आ रहे हैं ना। हमने कहा कि हाँ। बोले कि ऐसा है कि उड़ीसा के दो रहने वाले भक्त है, उनको आज ज्ञान। हम दोनों उठे चल दी। तो हम तो यही जानते हैं कि दोनों को ज्ञान होगा। हम बाहर बैठे थे, भारी कठौता पानी लाया, कितने वो श्रद्धालु थे कठौते में पानी लेकर गुरुदेव का पद्म पाद को जो है ना आचमन किया उन्होंने खूब बेहतर। सारे घर में छिड़का चारों तरफ उतने गंदे में गुरुदेव को नाश्ता दिया, चाय दिया, हमें भी दिया। गुरुदेव ने कहा अंदर आसन बिछाओ, गुरु के लिए आसन एक और दोनों के लिए एक डबल था। जब वो बिछा लिए तब फल फूल रख दे तो गुरुदेव कहे कि एक आसन और ले आओ, वहाँ बिछाओ, जाओ उसको बुला ला, उसका भी ज्ञान होगा। तो हम तो गुरुदेव को कुछ नहीं ले गए, हम तो फल भी नहीं ले गए।
हम अगरबत्ती भी नहीं ले गए, हमको तो स्थिति है में ज्ञान मिल गया। अब बताइए, हम प्रतीक्षा न किए थे, हम 3 महीना में प्रतीक्षा किए थे, हमने ये न कहा था कि गुरुदेव जब आप प्रसन्न होंगे तो हमें। देखिए, सच बात कहने में कोई दोष नहीं ना है, अगर दोष होगा तो मर्यादा घट जाएगा शास्त्र का है। तो जब से ज्ञान मिला, निहाल हुआ, एक ही दिन में पूरा उसका घर जो है प्रकाश से भर गया। तो इसी को कहते हैं कि जय सौ चंदा रूप में सूरज चढ़े हजार, ऐसा चंदन हौदिया गुरु बिनु भोले नाथ। सिखों के गुरु 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 नानक देव जी ने ये बात कहा है, जय सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, ऐसा चंदन हौदिया गुरु बिनु भोले नाथ। तो शुरू शुरू में साधना करने पर अनुभव बता रहा है कि सूरज जो है ना धुंधला जैसा दिखाई देता है, चांद जो है शीतल जो है बिल्कुल टिमटिमाते हुए, और तारे गण जो है जब इन लोगों की परे यात्रा हो रही थी तो ये सूर्य का हाल था, ये चांद का हाल था, ये जो है ना तारों का हाल था। तो साधक अंतर यात्रा की ओर जाने से डरे रहे, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। क्योंकि बाइबल के भाषा में जागते रहो सोना रहो, जागना है ईश्वर के नाम में, जागना है ईश्वर में। बिल्कुल संसार में खो जाना, संसारी खो जाना, रात दिन संसार के काम में लग जाना, इसी को कहा गया है सो जाना। आध्यात्मिक भाषा को समझना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि साधक जब ज्ञान लेकर साधना करता है तो अपने आप को जब ईश्वर की निर्गुण और सगुण का लीला देखने लगता है तो समाधि टूटती नहीं है। इसी को कहा है, प्रथम कांड है बाल रसीला, प्रथम कांड है बाल रसीला, जन्म दिबाह राम के लीला। इसमें सिद्ध जन्म होता है, जन्म का मतलब भौतिक जन्म मत कहिएगा। जिस दिन गुरु ज्ञान आपको देते हैं उस दिन आपका नया जन्म होता है, आप उसी दिन से नए नए जो है आप जो है बाल लीला अंदर में प्रकाश से निकलते हुए सब देखेंगे। जो सगुण प्रकट होंगे तो निर्गुण सगुण ही नहीं कछु भेदा, निर्गुण से सगुण प्रकट हुए है ना, तो भेद कैसे है। गुड्डी में लटाई में तार लपचा हुआ है और गुड्डी आकाश में उड़ाने के लिए जाते हैं तो सब तो आदमी के हाथ में है, चाहे लपेट कर रखिए चाहे छीन कर। तो इसको कहा है कि प्रथम कांड है बाल रसीला, जन्म दिबाह राम के लीला। आपने लीला देख लिया साधना, तो वही भक्त लोग कहते हैं कि गुरुदेव आजकल दिखाई नहीं देता है। कैसे दिखाई होगा, अब तो आपका इस राज से विदाई न होना है, वनगमन न करिएगा। तो सारा आभूषण सारा सुविधा तो आपको यहीं रह गया, उसी राज्य में रह गया, आप ऊपर चले गए। तो ऊपर वाले के क्या अवस्था है, द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाश, द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाश, तितुआ ध्यार रघुपति बनवासा।
परमात्मा की आज्ञा से बन रहो, यानी गुरुदेव का आज्ञा हुआ कि गृहस्थ आश्रम में जाओ, यही है वन। इसमें राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के बीच तुम्हें रहना है, भोग विलास राधियों के बीच में तो आपको रहना है, इसी में रहकर आपको साधना भी करना है। अब इसका अर्थ ये समझ में आया, वन गमन का मतलब क्या है, वन में क्या क्या मिलते हैं, जीव जंतु जानवर भी पहले राक्षस प्रवृत्ति के लोग, तो ये बताइए इस समाज में कौन सा व्यक्ति जो है आचरण वाला आपके विरुद्ध नहीं है, संत के सत्संग के विरुद्ध नहीं है। आज यहाँ आप भरे हुए सत्संग के श्रोतागण को देख रहे हैं, किसी जमाने में अंबातरी में जो है हमारे गुरुदेव आए थे तो उनके साथ क्या लोगों ने अभद्र व्यवहार किया था, शराब पीकर क्यों। लेकिन यहाँ जब काया पलट हो गया ना, अगर एक संत कष्ट उठा ले, अगर आपके ऊपर जो है अनेकों प्रकार का व्यंग भाषा आता हो या तरह तरह की गाली गलौज कोई देता हो, अगर एक संत के सह लेने से आज इतने जीवात्मा सत्संग सुनने के लिए आए हैं ना, है तो हमारे कहने का मतलब द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा दर्शनी साधना है। एक दूसरा आकाश है बाल कांड के, मतलब प्रथम आकाश, प्रथम कांड मैंने प्रथम आकाश, द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाश पितुआ ज्ञा रघुपति बनवास, दूसरा आकाश है पुनिया राको सुग्रीव शरण मेरा को। गुरुदेव को यहाँ शरण आप दिए थे ना, कोई ना कोई भक्त होगा ना, है आज भी अतिथि आए हैं उनको आप लोग शरण अपने शरण में रख करके सलाह भजन और सत्संग सुनते हैं ना। प्रभु कथा गुरु कथा अमृत, अमृत तुल्य होता है। गुरु कौन है, परमात्मा गुरु। चार प्रकार के गुरु हैं, गुरुदेव शरीर छोड़ने से पहले हम लोगों का भ्रम तोड़ दिए। छह महीना पहले भविष्यवाणी जब कर रहे थे तो हमारे मन में हुआ कि शरीर अब चेतना ये गुरुदेव समेट रहे हैं, आज निर्माण दिवस का अंतिम प्रहार है। मैं तो भूल ही गया था निर्माण दिवस के विषय में कुछ कहा ही नहीं, लेकिन और लोग तो कहे हैं, अगर हम नहीं कहेंगे तो चल जाएगा, है ना। तो छह महीना पहले जब उन्होंने चेतना अपना प्रकाश समेट करके अपने परम नाम जाने की तैयारी करने लगे तो हमारे हमें चिंता हो गया मन के अंदर। मन में जब चिंता हुआ कि मैंने कहा कि गुरुदेव शरीर छोड़ देंगे तो क्या फिर दूसरे गुरु के पास ज्ञान लेने के लिए हम जाएंगे, हमारा दिल रोने लगा, दिल निगम कर रहा था कि ये बताइए जब शरीर छोड़ देंगे तब हम फिर किस गुरु के पास जाएंगे, क्या जीवन भर गुरु बदलते रहे। दूसरे दिन जब पहुंचते हैं वहां पर तो प्रवचन तीन महात्मा बैठे थे, प्रवचन प्रवचन काल में ही उन्होंने कहा अच्छा ये बतलाओ गुरु कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग तो ब्रह्मानंद के आनंद राज के प्रकाश में रसास्वादन में लीन है, तो अभी तो ये तर्क वितर्क अभी तो अभी भ्रम अभी तर्क वितर्क की बात उठ ही नहीं रहा है तो हम क्या बता रहे, यानी हमसे नहीं पूछ रहे हैं, आम जो बैठे हैं तीनों इन्हीं से पूछ रहे हैं, कोई नहीं बताया। तो एक महाराज बोलते हैं कि साहब कितने प्रकार के गुरु होते हैं, बोले चार प्रकार के गुरु होते हैं। चार प्रकार के गुरु होते हैं, संवाद कृष्ण और अर्जुन के तरह संवाद हो रहा है। अब जिस माहौल में हम कह रहे हैं सरफा मेरे मुख से सुन रहे हैं,
अगर दो व्यक्ति दो मुखों से कहेंगे तो संवाद होगा, लेकिन उनकी भी भाषा हमें कहना पड़ता है और उनकी भी भाषा कहना पड़ता है, दोनों का एक ही मुख से। गुरुदेव ने कहा चार प्रकार के गुरु होते हैं, जानते हो? क्षत्रिय का गुरु होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु होता है सन्यासी, तो पूछते हैं फिर प्रश्न किए बतलाओ सन्यासी का गुरु कौन होता है। इसका भी समाधान हम लोगों के पास नहीं था, तो वही समाधान करते हैं कि सन्यासी का गुरु अविनाशी होता है। फिर प्रश्न करते हैं कैसे ये बताओ हमको, तुम लोग क्या मानते हो? इसका भी जवाब हम लोग के पास नहीं है। अब सन्यासी कहे कि अविनाशी कहे, तो वही समाधान कर रहे हैं कि देखो ये सन्यासी, मैंने तुम लोगों को ज्ञान क्या चीज का दिया है? अविनाशी का। कल का मेरा समाधान, कल का प्रश्न आज समाधान कर रहे हैं। मैंने मन का प्रश्न था, मुख का नहीं। तो जो इच्छा करो मन माही, मन की बात जो गुरुदेव तत्वदर्शी जो हमारे मन की बात जानते हैं, वो नर रूप में कौन? या तो अवतार है, या तो पूर्ण भगवान है जो हमारे मन की बातों को जानता हो। तो अवतार जब चले जाते हैं शरीर छोड़ करके, तब एक एक पर्दा हटता है। ऐसे ही आनंद को भी भ्रम हो गया था, भगवान बुद्ध देव जब शरीर छोड़ने के कगार पर आए तो आनंद को बहुत करीब अपने सेवा में लिए। तो जब सेवा में लिए तो कोसी नारा की ओर आने के लिए उनका इच्छा था, परिभ्रमण करते हुए जब आ रहे थे इतने थक गए थे कि दो साल वृक्षों के बीच में आनंद से कहा कि आनंद जरा यहाँ मेरा कौतुन बिछाओ, मैं विश्राम करूंगा। आनंद से रास्ते में कहते हैं कि आनंद अब मुझे शरीर छोड़ देना। इसके बाद से आनंद बड़ा पीड़ित और दुखी रहते। और दो सन्यासी आ गए, जिस घर में वो निवास करने जा रहे थे, जिस रूम में वो लोग निवास की अवस्था बना रहे थे, उस समय दो और जो है ब्रह्मचारी सन्यासी आ गए। आनंद भीतर से व्यथित थे, वो रूम के अंदर में उस कमरे में आनंद जो है बेसुधार होकर के रो रहा है। इतना तो माता पिता के शरीर त्यागने पर तो नहीं देता है, लेकिन उसकी गहरी नींद पा रही है, रुकने का नाम नहीं है। दो सन्यासी आ गए तो आनंद उठ करके बरामदे में चले गए। जब बरामदे में चले गए तो भगवान अंतर्ज्ञानी कहते हैं उन सन्यासियों से, देखो जरा आनंद कहाँ है, उसको बुला ला। तो जो गया सन्या ब्रह्मचारी तो दिखता है आनंद बिछिड़ा होकर अकेले में रो रहा। भगवान से आकर के कहते हैं वो कि भगवान तथागत आनंद तो रो रहे। बोले जाओ बुला ला, बोलना तथागत बुला रहे हैं। तथागत के बुलाने पर आनंद तो आए, लेकिन आनंद से उपदेश क्या दिया? आनंद तुम 24 वर्ष मेरे साथ रह करके अभी तक तू नहीं जान सका, तो 24 जन्मों में नहीं जान सकेगा। एक देखिए, एक एक पत्थर मारा गया और एक छोटा रोड़ा मारा गया। एक पत्थर से मारकर और उनको मरमाहत करते हैं कि 24 जन्मों तक नहीं जान सकेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा गुण नहीं होते। उन्होंने पीठ पर हाथ देकर कहा आनंद ऐसा ना सोचो,
मेरा शरीर त्यागना ही तुम्हारे कल्याणकारी है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे साधना के क्षेत्र में